दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होगे, इसका साइज है 54x42 और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 42 फिट है और लंबाई की बात करें तो 54 फिट है। और ये एक दोस्तों स्मॉल मॉडर्न स्कूल डिज़ाइन है, कॉलेज डिज़ाइन आप बोल सकते हैं, अपने चिल्ड्रंस के लिए, जो चिल्ड्रन छोटे छोटे होते हैं बच्चे उनके लिए। अगर आपके पास कम स्पेस है और आप स्कूल एक खोना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन स्कूल, तो मैं आपको फुल डिटेल आज इसमें बताने वाला हूँ। आप बने रहें इस वीडियो में। आप जैसा कि ये मॉडल देख पा रहे होगे, आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला है और इसकी टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि ऊपर मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है। मात्र यहाँ पर 2 फ्लोर डिज़ाइन किए हैं, ग्राउंड एंड फर्स्ट, और सेकेंड फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर एक एक रूम डिज़ाइन किया है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, स्मॉल हाउस प्लान को, तो आप प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देखते रहें। और ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा, फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको हम ट्रांसपेरेंट कर दें तो आपको सब कुछ बिल्कुल दिखने वाला है, फुल टू फुल। देखिएगा, टॉप व्यू भी आपको दिखेगा और फ्रंट से भी आपको ये दिखेगा। स्टार्टिंग में मैंने ये सिर्फ एक डिज़ाइन क्रिएट किया है और कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं किया, और सारे रूम ही क्रिएट हैं। तो चलो मैं इसका सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। फ्रंट से आपने देख लिया होगा, ये डिज़ाइनिंग मैंने दिया है, ये आपने बनाया है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं और ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है। इसका साइज भी क्रिएट करूँगा मैं। दोस्तों इस स्कूल में थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा आगे का पोर्शन है, ये कम है। तो अगर हम बात करें इस साइज का, इसका साइज है 54 फिट और लगभग इस साइज का साइज है 51 फिट, इसलिए थोड़ा 2 या 3 फिट का जगह यहाँ पर कम है। तो ये पूरा मॉडल अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो डिजाइनिंग का पार्ट हो गया और यहाँ पर मैंने सबसे फ्रंट में एक डिज़ाइन किया ऑफिस, जिसका साइज है 15x12। दोस्तों इसे ऑफिस है ये जो स्कूल में इसका है, तो ये 15x12 का एक ऑफिस डिज़ाइन किया है। और उसको मैंने बाहर से भी, आप यहाँ पर डोर दे सकते हैं जो ग्लासेस मैंने दिया है, और फ्रंट आगे से भी आपको देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इसी मेन डोर की, ये तो मेन डोर है। आप यहाँ पर आपको एक ये टोटल मैंने बताया ना, ये पूरा 51 फिट है। तो 20x15 का ये वाला आपका रूम है, 20x15 का ये वाला रूम है, और बाद बाकी लगभग आपका जो 11 से 12 फिट का स्पेस बचेगा ये वाला, इस पर आपको स्टेयर्स यहाँ से बाहर से ही देनी है ऊपर के लिए, और यहीं पर आपके लिए बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप आर ओ या जो भी लगवाना चाहें, यहीं जीने के नीचे आप उसको सेट कर सकते हैं। तो 20x15 का ये 2 हॉल हो गए। और ये गैलरी की अगर बात करें तो 12 फिट की गैलरी है दोस्तों। यहाँ पर और भी आप डिजाइनिंग दे सकते हैं, बीच में बच्चों की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, लंच की बात करें पेड़ लगवा सकते हैं बीच बीच में, जिसमें आपको बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, लंच हो तो यहाँ पर बैठ के अपनी व्यवस्था कर सकें। अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये भी 15x20 के 2 रूम हैं। तो 4 रूम हॉल 15x20 के मिल जाते हैं आपको बच्चों को बैठाने के लिए, और ये आपका मेन ऑफिस है। और दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो मैंने स्कूल डिज़ाइन किया 8th क्लास तक डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर 4 रूम ही आपको दिख रहे होंगे। 4 सेम रूम मैंने आपको ऊपर वाले मतलब फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन किया है। अब बच्चों के लेटरिंग और बाथरूम की बात करें तो ये यहाँ पर लेटरिंग है दोस्तों, अलग अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। अब मैं बात करता हूँ तो ये स्टेयर से आप जैसे ऊपर जाएंगे, और ये सिर्फ डिज़ाइनिंग मैंने दिया है दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। और ये मेन डोर है और ये एक विंडो है, वेंटिलेशन का विशेष ख्याल रखा है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी शैतानियाँ होना स्वाभाविक है। तो आप ऐसा डिज़ाइन कराएं, बीच में पेड़ पौधे जरूर लगाएं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। तो ये पूरा हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों। तो फर्स्ट फ्लोर फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, सेम टू सेम जैसा नीचे था, सेम बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर भी ऊपर मैंने डिज़ाइन किया, कोई चेंजमेंट नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं चेंजमेंट करना तो रूम को आप हो सकता है डिज़ाइन कर लें, या ये वाला लेटरिन और बाथरूम देखिए कमांड जरूरी है। अगर बच्चे छोटे बच्चे हो तो वो नीचे नहीं आ सकते हैं बार बार, अगर एक बार चढ़ गए ना ऊपर तो उनको दिन भर जब तक उनकी छुट्टी नहीं हो जाती तब तक उनको ऊपर ही रहना पड़ता है, इसलिए लेटरिन बाथरूम विशेष ध्यान रखा गया है। और ये पूरा डिज़ाइन है। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ये एक रूम डिज़ाइन किया है, वही जो ऑफिस आ रहा था वही एक रूम का रूप ले लेगा यहाँ पर, और पूरा डिजाइन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी मॉडर्न या कमर्शियल टाइप का कोई भी बिल्डिंग आप बनवाना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, आपका मैं जरूर हेल्प करूँगा और आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लेकिन दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज है जो, उसको आप जरूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।